एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम कई मायनों में ऐतिहासिक है। ये पहला मौका है जब कोई आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद तक पहुंची है। उनके लिए पूरे देश में दलीय निष्ठा टूटती दिखी और पूरे देश से उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई। बिहार में भी क्रॉस वोटिंग हुई और 8 विधायकों ने उनके पक्ष में वोट किया। इसके बाद सियासत के गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले समय में बिहार महागठबंधन में बड़ी टूट हो सकती है। इस चुनाव के नतीजों के आने के बाद चर्चा इस बात की है कि अंतरात्मा की आवाज किस दल के नेताओं ने सुनी, आरजेडी के विधायक हैं या फिर कांग्रेस के। हालांकि इस चुनाव में पार्टियां व्हिप जारी नहीं करती हैं, यानी विधायक अपने विवेक से उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। आपको बिहार में हुए वोटिंग का नंबर बता देते हैं कि एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और यूपी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कितने कितने वोट मिले। बिहार में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग, बिहार के कुल विधायकों की संख्या 243 है, कुल वैलिड वोटों की संख्या 239, एनडीए को कुल 133 वोट मिले, यूपीए को कुल 106 वोट मिले, यूपीए की कुल विधायकों की संख्या 114 है, 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इस क्रॉस वोटिंग से अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पार्टी लाइन से हटकर द्रौपदी मुर्मू के लिए विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज को सुना है। हालांकि वोट किस दल के विधायक ने किया और किस विधायक ने नहीं किया ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन संजय जायसवाल ने ट्वीट करके आरजेडी के विधायकों को आभार जताया। संजय जायसवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल के उन सभी 8 विधायकों को बहुत बहुत आभार जिन्होंने यशवंत सिन्हा जी के आह्वान पर अपनी अंतरात्मा के कहने पर महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया। संजय जायसवाल के इस ट्वीट से ये तो साफ हो रहा है कि उनके एनडीए उम्मीदवार को आरजेडी के विधायकों ने वोट किया है। आरजेडी ने भी क्रॉस वोटिंग पर अपनी बात रखी। ये राष्ट्रपति पद जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में ये मायने नहीं रखता है। जिस समय चुनाव हुए क्रॉस वोटिंग किसने किया किसने नहीं किया ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। अब महत्वपूर्ण विषय ये है कि देश को प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी मिल गई और पूरा देश ये उम्मीद करता है कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जिस समाज से वो आती हैं, आदिवासी जनजाति समाज के उत्थान के लिए वो काम करेंगी। अब किसने क्रॉस वोटिंग किया किसने नहीं किया ये राष्ट्रपति चुनाव में कोई व्हिप नहीं होता है, अब इसमें कोई गुप्त मतदान होता है। बीजेपी की तरफ से लगातार अब ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में एकजुटता नहीं है, तभी तो 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। कि आज पहली बार एनडीए की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी कदम उठाई गई है, तो उसी का सम्मान में चुने हुए प्रतिनिधियों ने क्रॉस वोटिंग करके अपनी अंतरात्मा की आवाज को बुलंद किया। जेडीयू की ओर से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस बार के उम्मीदवार को लेकर क्रॉस वोटिंग होना तय था। राष्ट्रपति चुनाव में एक परंपरा रही है, पार्टी अपनी जगह लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भी वोट करते रहे और इस बार खास करके एनडीए की ओर से जो उम्मीदवारी थी ऐसी उम्मीदवारी का विरोध दल के हिसाब से भले कोई कर रहा हो वरना व्यक्तिगत रूप से किसी से पूछिए तो कोई विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि एक महिला और वह भी समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ जो वर्ग है वहां से आने वाली महिला, तो एनडीए ने इतनी अच्छी उम्मीदवारी दी, स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों के मन में यह बात होगी और इसलिए जो सूचना आ रही है कि कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया तो स्वाभाविक रूप से क्रॉस वोटिंग बिल्कुल स्वाभाविक था जो लोगों ने किया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में आरजेडी और विपक्ष की पार्टियों ने यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट देने की बात कही थी, लेकिन महागठबंधन के वोट में टूट ये बताती है कि पार्टी लाइन से हटकर विधायकों ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को तरजीह दी है। सुजीत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।